السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. जी, सबसे पहले तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक इल्म तजवीद कोर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मुहिबुद्दीन व शरिया कॉलेज से आपकी बहन बरीरा अता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें मिलकर कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, जैसा कि कल हमने पढ़ा था रुफ़े कलकला के बारे में, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि पांच हरूफ कलकला वाले होते हैं जब वो साकिन होते हैं। तो अब साकिन तो कोई भी हर्फ हो सकता है ना, लेकिन कुतुबु जद्दीन कौफ तो ब जीम दल, इन पांच के अलावा किसी भी साकिन हर्फ को हिलाना नहीं है। क्या सबब था हमारा, कोई बता सकता है? हमारा सबब था मद्दाउलीन का, है ना? मैं भूल गई। अच्छा, जी मैम, हमारा सब ठीक है। रूफ मदा तीन पढ़े थे हमने कल। यस यस यस, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। हाँ, कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है, हुरूफ़े मद्दा। तो आप में से कौन बताएगा हुरूफ़े मद्दा का माना क्या है, मद्दा का, और हुरूफ़े मद्दा कौन से होते हैं, कब होते हैं, कितने होते हैं, और इनको पढ़ते कैसे? हैंड रेस करें जो बताना चाहे। कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं बताएगा। चलें फिर, यास्मीन साहिबा आप बताइए, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। मैम हुरूफ मद्दा तीन हैं होते हैं, अलिफ या वाव, और जबर के बाद जब खाली अलिफ आ जाए तो उसे अलिफ मद्दा कहलाता है, और या जेर के बाद या आ जाए वो जज़्म के साथ तो याए मद्दा, और पेश के बाद वाओ आ जाए जज़्म के साथ तो वो वाओ मद्दा कहलाता है, और हाँ, इसको जज्म के साथ लंबा नहीं थोड़ा बल्कि खींच जज्म के वाली, अदा ठीक किया जाता है, हाँ, जज्म वाली वाहू और जज्म है, वाली जज़्म वाहू। वाली। ठीक जी, और इनको दो हरकात के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। ठीक है सीध जी, फिर आप पढ़िए। जी, जैसे हम पिछले असबाक पढ़ते थे ना, इनके साउंड मिलाने हैं आपस में, जैसे न बा नबतन नबतन, इसी तरह वक्फन भी पढ़े और जी वसलन भी, ठीक है। जब हम इसको पढ़ते हैं वसलन तो तनवीन पढ़ी जाएगी, जब हम इसको वक्फन पढ़ते हैं तो जब दो जबर पर वक्फ होता है तो वो कैसे होता है, दो जबर में से एक जबर खत्म हो जाता है और एक जबर फिर अलिफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं वक्फ की सूरत में एक जबर जब खत्म होता है ना, तो फिर ये जो अलिफ है ये कौन सा अलिफ बन जाता है? ये मैम वो बन जाएगा हमजा। अब ये नहीं, हमजा तो वो होता है ना,
जिसके ऊपर कोई हरकात वगैरह हो, ये तो खाली है ना, जी तो ये जबर के बाद ये खाली अलिफ आ गया, तो कौन सा अलिफ हो अच्छा गया? ये ता के ऊपर है दोनों जबर, ठीक, ये खाली अलिफ है इससे। हाँ, तो जब जबर के बाद खाली अलिफ आ जाता है तो वो कौन सा अलिफ होता है? मद्दा, क्या? अलिफ मद्दा, हाँ, मद्दा। फिर हम इसको भी दो हरकात के बराबर खींचेंगे, तो हम फिर इसको पढ़ेंगे, नबत बूरो, ठीक है जी। आपने दोनों तरह ही पढ़ना है, वसलन भी वक्फन भी, नबतन वसलन, नबत ये है वक्फन जी। स्टार्ट जी। कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबातन, नबाता, ता, ये ता है ना, इसको तार, मोटा नहीं किया, ठीक है, बारीक। बारीक, नबाता, बूरन, बूरा, रो। अब देखिए, रा, आपको जी बारीक पढ़ना मोटा, है या मोटा पढ़ना है? इसको मोटा पढ़ेंगे मैम। वो क्यों? जबर के साथ है ना रा, इसलिए। सही है, रॉ पर जबर हो या दो जबर तो उसे मोटा ही अदा करते हैं जी। ठीक है, पढ़िए। जी भूरन, भूरा, मगर आपका रॉ नहीं मोटा हो रहा, भूरा, रो रो रा, बू रो बू रोन, ठीक है, रोन रन, बू रोन बू रो। बुरा, मुबीनुन, मुबीन, तारिकुन, तारिक ठीक जी। मैम ये मुझे पता नहीं चल रहा ये क्या ठीक है, लफ्ज़ है इसको इसको छोड़ देते हैं, अभी हम यहां से पढ़ लेते हैं। जी। फतीलन, फतीला, ला, ये बारीक रहना। हाँ, फतीला, साबितुन, साबित, गुड। मसूबतन, मसूबा। मैं जब गोल ता पर वक्फ करते हैं तो ये साकिन हा में बदल जाता है, तो एंड पर इस हा की आवाज भी आनी चाहिए, जैसे महफूबतन ये था वसलन, वक्फन है तो महफूबह बह, बा ठीक है। जी, मसूबतन, मसूबा, असीमिन, असीम, उजाबुन, उजाब, हाँ, उजाब। गुड। आपने बा को हिलाया क्यों? ये कलकला हर्फ में से है ना। सही। जो मैम ये जो इन है, नहीं जो के जम नहीं मैं वाउ मुझे ही है, ये वाउ वाह ही है, वाउ साकिन, जी पेश के बाद वाउ साकिन। जी ठीक। जो इन, जो आइन की आवाज वाजे, जू आ, जो आइन जू। जो जो इन जो अच्छा, यहां ना एक बात और है, एक बात और देखिए, जैसे यहां पर है ना, नबातन नबाता, ठीक है। अब जी यहां पर वक्फ हो रहा है लेकिन इसके आखिर में अलिफ बद आ रहा है, तो इसको हम यूं ही पढ़ेंगे, दो हरकात के बराबर ही खींचेंगे, ठीक है। लेकिन जी यहां पर देखें, जू इन है, जू इन, तो यहां हम जी पढ़ेंगे जू, जब जब हम वक्फ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वक्फ से पहले, वक्फ अगर आखिरी हरफ जो है ना, आखिरी हरफ अगर वो मद्दा का नहीं और उससे पहले हरूफे मद्दा में से कोई हरफ आ रहा है ना, फिर उसको जी हम 6 हरकात तक खींच के पढ़ेंगे। अच्छा
भाई इसको हम भाई पढ़ेंगे जू, यानी छह जू हरकात का बहुत अंदाजा कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो हरकात का होगा, यानी हम हाथ की मुट्ठी बनाएं जी और एक-एक करके दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें, एक-एक करके छह उंगलियां अपनी खोलें, तो इसकी मकदार पूरी हो जाएगी। तो मैम आइन को कितना खींचेंगे आइन को उसके नहीं रुक से खींचेंगे, आइन को नहीं खींचेंगे, उसको। आइन साकिन है ना, तो बस उसका, बस जो उसके साकिन होने की सूरत में उसका साउंड बनता है, सिर्फ वही। जी कोशिश करते हैं। जू जू इन जू पहले जब हमने ना वसलन पढ़ना है तो दो हरकात के बराबर ही इसको लंबा करेंगे, ठीक है, मगर जब ओके वक्फ करना है तो वक्फन इसको हम छह हरकात तक खींच सकते हैं। जू ओके आइन जू, हाँ जो इन जो इन जो बेहतर हुआ अब आपका। जी अजीब बुन अजीब अजीब हाँ, इसको लंबा भी ज्यादा करेंगे, अजीब। अजीब हाजीजन हाजीज हा नो मैम ये क्या पढ़ेंगे तो जबर पर वक्फ कैसे करते हैं? हाजीज हाजीजा अच्छा हाजीजन हाजीज हाँ, यहाँ झटका नहीं लगना चाहिए। हाजीजन हाजीजा, हाजीजन हाजीज हो बन हो बा मुखी मुखीतुन मुखीत हाँ, ये है तो, ठीक है, तो जी तो इसके मखरज का भी ख्याल रखना है, इसके अदायगी के जी तरीके का भी ख्याल रखना है, ठीक है, और फिर जी देखिए यहाँ पर साकिन होने की सूरत में ये कलकला भी बन गया, तो यहाँ पर हिलाना भी है। मुखी मुखी तो मुहित मुही, तो मुहित ठीक है यासमीन साहिबा, जजाकिल्ला, बारक अल्लाहु फीक, माशाअल्लाह, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला कबूल शुक्र फरमाए, बारक अल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी सबा आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी सबा, खातमा जी मैम खातमा खातम फखूरुन फखूर जब हमने ना इसको, एक मिनट सबा खीफतन लिखिएगा, जब यहां पर जी वसलन पढ़ना है ना, वसलन, फिर इसको हमने दो हरकात के बराबर ही खींचना है, ठीक है, जब वक्फन जी पढ़ना है तो हम इसको छह हरकात के बराबर खींचेंगे, मगर आपका एक जैसा ही रहा, जी वक्फन भी वसलन भी, दोबारा पढ़ें। जी फखूरुन फखूर अच्छा, इसमें ना खीफतन जो ख को भी मोटा करिए, रॉ को भी मोटा करें, एक तो जब हम वसलन पढ़ रहे हैं ना, वसलन, रॉ पर पेश की तनवीन है तो रॉ को पूरी ही पढ़ेंगे, क्योंकि रॉ पर पेश हो या दो पेश, इसको मोटा अदा करेंगे,
लेकिन अगर रॉ साकिन है, वक्फन रॉ साकिन हो जाएगी ना, रॉ साकिन उससे पहले साकिन और उससे पहले पेश हो, तो भी रॉ को मोटा अदा करते हैं। कैसे? रॉ साकिन हो, रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले पेश हो, तो उस रॉ को मोटा अदा करते हैं। जी, फखूरुन फखूरुन फखूर। फखूरुन, ठीक है, जी फखूरुन, फखूर। जी फखूरुन फखूर। खीफतन खीफता। नहीं, खीफतानी, इसको भी हम छे 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 के बराबर करेंगे। क्यों क्यों आई क्यों थिंक क्यों? सो। नो, ये देखिए, ये फर्क भला क्या है, ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जब हमने यहाँ पर वक्फ किया था ना, यहाँ पर वक्फ किया था, तो ये जो आखिरी हरफ था ना, इससे फौरन जी पहले हरफे मद्दा, ठीक है, आखिरी हरफ से जी फौरन पहले हरफे मद्दा होगा तो हम छह हरकात के बराबर खींचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आखिरी हरफ से फौरन पहले तो मद्दा का हरफ नहीं है ना। जी जी हाँ, इसको दो के बराबर किया। इसका ये कि वक्फन इसमें ये सूरत है, जब गोल ता पर वक्फ किया जाता है तो वो साकिन हा में बदल जाती है। ठीक हो गया। खीफा ठीक है। खीफतन खीफा सही। दानिन दानिन दान। वदूदुन वदूद। अब यहाँ पर देखिए, दाल पर खुद वक्त पे जल्दी है तो करवा कलकला दिया। करेंगे। हाँ, जी वदूदुन वदूद। अच्छा, अगर आप ना क्लास में पढ़ते वक्त फार्मूला अप्लाई करें हरकात की मकदार के तायुन का, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा। आप इसको दोबारा से पढ़ें वदूदुन को, तो अपनी आपने दो उंगलियां खोलनी है एक एक करके, ठीक है? पढ़िए। ठीक है ठीक है। वदूदुन वदूदुन वदूद। ठीक है। जब हरूफे कलकला कलिमे के आखिर में होते हैं ना, तो हिलाया ज्यादा जाता है, जी वदूद। जी ठीक वदूद है, ठीक है। जजाकल्ला ठीक है, जज़ाकिल्लाह, बारक मौफिक, अल्लाह मजीद फजीद। मैम। भैया जी, सायरा है क्लास में? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सायरा, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शदीदुन शदीद عذاب عذاب। हाँ, अब यहाँ पर देखे ना, यहाँ वक्फ हो रहे हैं ना, तो जो आखिरी हर्फ है ना, जहाँ वक्फ कर रहे हैं, उनसे जी फौरन पहले हर्फे मद्दा है, तो इन हरफे मद्दा की लंबाई ज्यादा होगी, छह हरकात के बराबर खींचिए इनको वक्फ की सूरत में। जी मैम। शदीदुन शदीदुन शदीद عذاب 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 خزولا वसलन, خزول। जी वसलन पढ़े पहले। خزولا
खजूला। हाँ इसमें ना खौ आपका मोटा नहीं हो रहा एक तो, दूसरी बात यहाँ पर जब हम वक्फ कर रहे हैं ना तो यहाँ पर हरफे मद्दा ही पर हम वक्फ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी सूरत जी में उससे पीछे वाले को इतना लंबा नहीं करना। अच्छा। ये देखे ना यहाँ पर शदीदुन आदाबुन, यहाँ आखिरी हर्फ मद्दा का नहीं बन रहा, ठीक है, तो उनसे पीछे जी वाले हरफे मद्दा को हम इतना लंबा करेंगे 6 हरकात के बराबर, लेकिन जहां हम वक्फ ही हरफे मद्दा पर करें तो उसको नहीं ऐसे करेंगे, उसको नहीं, उससे पीछे वाले को नहीं इतना लंबा करेंगे, ठीक है। जी खजूला नजीरुन नजीर। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पर रॉ के हवाले से बताइए, वक्फन रॉ को बारीक पढ़ेंगे यहाँ पर या मोटा? वक्फन बारीक पढ़ेंगे वो क्यों? क्योंकि जेर है ना, जेर की सूरत में रा को जब वक्फ होगा तो बारीक ही पढ़ा जाता है। हाँ ठीक, तो आप ये बताएंगे रॉ साकिन हो, उससे जी पहले भी साकिन हो हर्फ, उससे पहले जेर हो तो रॉ को बारीक ही पढ़ेंगे, लेकिन जी वसलन कैसे पढ़ा जाएगा? नजीरुन वक्फन पढ़ा जाएगा पुर, क्योंकि इनके ऊपर दो पेश हाँ, वसलन पुर पढ़ा जाएगा, लेकिन है। मुझे आपके वक्फन वसलन में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा सायरा। नजीरुन नजीर ठीक, कोशिश करें कि बिल्कुल भी हिले नहीं, ठीक है, जी मैम नवीउन नवीर नजीर। र, र, ये वाला साउंड नहीं, नवीर बस। नजीर जी मैम नजीर। राकिन राक अब कौफ, कौफ आखिर पे आया, इसको हिलाना है तो कैसे हिलाएंगे? राक कॉफ को पुर भी करें हिलाने में भी, और आखिर पे जब हरफे कलकला जब कलिमे के आखिर में आते हैं ना तो उनको हिलाते भी मैम ज्यादा है। जी मैम राक ठीक, रौक राक जी मैम को रौक, राक सही, राक ठीक, अगली लाइन भी पढ़ लें। बुरुजन बरुजा बाबर पेश के वो लेकिन लास्ट पे अल्फ मादा है ना, साथ। तो हम इसको ज्यादा कीजिए कि नहीं। बरूजा हाँ, मैंने कहा बा पर पेश है ना? जी मैम बू बू बुरुजन बुरुजा अच्छा, जब ना आप वसलन पढ़ रहे हैं ना कलिमात, तो आखिर में तनवीन है ना, तनवीन पे आपका गुन्ना सा हो रहा है, कोशिश करें बिल्कुल भी इसको खेंचे नहीं तनवीन को, बुरुजन ऐसे नहीं बल्कि बुरुजन बस। अच्छा। बुरुजन बुरुजन बुरुजा ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि रॉ है ना जो, उसको उसकी जी कंडीशन के मुताबिक पढ़ें, रॉ को यहाँ पे पूर्व पढ़ेंगे, ठीक मैम इंशाल्लाह। बुरुजा है, बा पर पेश बुरुजा की। बुरुजा एक चीज पढ़ते हैं दूसरी छूट जाती है। बुरुजा जी और रॉ को पुर करते वक्त ना आपका जीम भी पुर हो जाता है,
में प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ريح ريع ريع सही। زان 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 ठीक है। وزو وزورا وزورا عزيز عزيز ठीक है सायरा, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाहु मज़ीद माशा। जी सबा, आपका शायद कुछ सवाल है, बताइए। जी मैम, मैम ये जो हमने शदीदुन की लाइन में अजाबुन है, इसका जो जाल है ये जा है या जाल होता है, दाल, हमें ये इसका। दाल ही है, दाल। ठीक है जजाकला। भैया खदूलन में भी दाल है, नदीर उनमें भी दाल है। जी ठीक है जी जी ठीक है। सबा आप पढ़ लें यहाँ से, आपसे मैंने एक ही लाइन सुनी थी, आप जी सुनिए। मैम, जी जी यहाँ से। खिसाबन खिसाबन खिसाब खिसाबा। सही। एक मिनट मैम। जी, सूरतुन सूरत फिर से सूरत। अभी ऊपर आपके यहाँ पढ़ा था ना, कैसे पढ़ना है? ओ ठीक है मैम सॉरी। सूरतुन सूरा अब देखिए, रॉ है ना, रॉ, इसको मोटा कैसे अदा जी करना है? इसको पढ़ते वक्त ना बारीक और इसके मोटा होने में बहुत फर्क होना चाहिए। सूरो, ठीक है। सूरतुन, सूरोह, रोह, र, सूरत जी। सूरतुन सूरा सूरा र ठीक, सूरा रोह, यसीरुन सूरा सूरा ठीक। यसीरुन यसीर सही। यसीर नहीं हाँ बल्कि इसको मोटा करना है। ओके ठीक है। ये रा को हम बारीकी अदा करेंगे क्योंकि इससे पहले जेर है, किससे पहले? वो जजम रा से पहले, जजम है, जजम से पहले जेर है और रा ठीक यहाँ पे साकिन है तो इसको बारीकी अदा करेंगे। सही सही। शाकिरुन शाकिर गुड, नुशूरन नुशूरन नुशूरा बल्कि जब ना हम रॉ को मोटा अलिफ आ रहा करते है हैं, हाँ, जी जब हम रॉ को मोटा उस। करते हैं ना, तो हमारे होंठ गोलाई की तरह होते हैं, गोल करने नहीं, करना नहीं है होंठों को, ठीक है, लेकिन ऐसे हो जाते हैं मुंह हमारा जैसे गोल हो, लेकिन पूरा गोल नहीं करना, ठीक ठीक है है। जब बारीक पड़ते हैं ना, तो ठीक है हमारे होंठ इस तरह होते जी हैं जैसे हम मुस्कुराते हैं ना, तो बारीक पड़ने की सूरत में जी रा इस तरह से अदा होता है जैसे मुस्कुराते होंठ होते हैं, लेकिन जी मोटा पड़ने की सूरत में थोड़े गोल हो जाते हैं होंठ, गुड़ इरादे होंठ। आ जाए। ठीक है नुशूरन नुशूरन हाँ, कुछ कह नहीं आई। नुशूरा नुशु रो, आपने ना ये प्रैक्टिस आईने में करनी है, ठीक ठीक है। है ओके। नुशूरा हाँ।
नुशूरो। नुशूरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा आपका, जज़ाकल्ला बरकात। जजाकल्ला मैम। अच्छा आप ही तीन लोग रह गए हैं, चलें एक-एक फिर से पढ़ लें। जी यास्मीन आप पढ़ लीजिए। शीबा ठीक सा स्वादिकन स्वादिका आपने ना मोटे सुको हरूफ है ना, सौद भी मोटा है कौफ भी मोटा है, तो जी इनका अलिफ भी कौ मोटा ही होए। स्वादिकन स्वादिका हाँ सौ, इसको आखिर तक ना सौ आखिर तक मोटा ही रखे इसको, सौदियों सौदिको। स्वादिकन स्वादिका सही। सूरतन सूरतिन सूरा रोह रोह रा सूरतिन सू सूरोह। सूरा मुसीबतुन मुसीबा सही। दाहिकन दाहिकन दाहिका दाल की आवाज से नहीं पढ़ना, ठीक है, इसका अपना ही मखरज दा है, तो इसको इसके अपने मखरज से पढ़ना है, और जो इसका साउंड है ना वो ही रखना है, वो दाल के साथ नहीं, ठीक है। दाहिकन दाहिका ठीक है, जज़ाकअल्लाह मौफिक। जी सायरा, मखदूम दिन ठीक है यास्मीन सायरा, जी ठीक है जज़ाकअल्लाह। आगे जी सायरा आप पढ़िए। जी थैंक जी मैम। मखजूदिन मखजूदिन मखजूद सही। हजीमुन हजीम खिताबन खिताबा फुतूरिन फुतूर लतीफुन तो है ना, तो सिफात का भी ख्याल रखिए। लतीफुन लतीफ ठीक है, जज़ाकअल्लाह बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद। जी सबा। जी मैम। जालिमुन जालिम मखज़ूमुन मखज़ूम अजीमुन अजीम। हाँ, जैसे तो को मोटा पढ़ते हैं ना, ऐसे ही गौ को भी मोटा अदा करते हैं। अजीमुन अजीम गौ है ना, गौ, तो भी गौ के जिसके और आएंगे, सुनिए सबा, ये है गौ, गौ के जी मैम जिसके आए तो ये बनेगा वुई वुई अवी अवीमुन अवी। अजीमुन अजीम। मैम लेकिन इसको पढ़ेंगे तो हम मोटा ही ना, अगर इसके नीचे शेर भी आएगी। हाँ मोटा ही पढ़ना है ना, लेकिन आप बारीक पढ़ रहे हैं। ठीक है अजीमुन अजीम जी मैंने बताया था ना, जब मोटे हरूफ पढ़ते हैं ना तो हमारे होंठ थोड़े गोलाई की तरफ हो जाते हैं, मुकम्मल गोल नहीं करना, होंठों के किनारों से थोड़े जरा गोल हो जाते हैं होंठ।
अजीमुन, वही वही अजीम, वो बोलिए, वो बोलिए, वो जो जी वही गुलाई में गया, वही वही दी नहीं दी जी नहीं, दी देखिए जब आप जी बोल रहे हैं ना वो तो मोटा ही नहीं हो रहा, तो वो वो रहता भी जी नहीं है, जी जी नहीं बल्कि जो 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 वही दी वही 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 दी अजीमुन, अजीमुन, अजीमुन। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जी बिल्कुल ठीक है। आबिदुन, आबिद, कुऊदुन, कुऊद। अच्छा सबा ये बताइए कि जो हमजा होता है ना, हमजा अगर उसके ऊपर जबर जी मैम, हो तो उसका क्या साउंड बनता है? हमजा के ऊपर जबर आ जाए तो झटका मतलब हमजा का क्या लगेगा साउंड, उसको। आप ये बताइए हमजा का साउंड क्या होता है? बारीक होता है मैम, बगैर झटके के। अगर हमजा साकिन हो तो झटका लगता है, ठीक है। वैसे वैसे ही हमजा का साउंड क्या है? आ है ना, हमजा की आवाज आ के साथ है ना, जी और आइन की आवाज जी आ आ आ, आ, आ कितना फर्क है, ठीक है। तो जी जो लफ्ज है जी ये आइन से स्टार्ट हो रहा है, मगर आपने इसको बोला आबिदुन, जबकि कैसे पढ़ना है जी इसको? आ आ आ आबिदुन, आबिदुन। आ आ आ कहाँ से निकलेगा ये हलक का जो दरमियानी हिस्सा है ना, इसको आप अंदर की जी तरफ दबाएंगे ना तो ये आइन का साउंड जी बन जाएगा। आ आबिदुन, आबिदुन। ठीक, ओके मैम, इसी तरह उदुन उदुन उदुन, ठीक कुओदुन जी, कुओदुन, कुओद। है। कलकला कलिमे कुओद के आखिर, हाँ हरूफ कलकला कलिमे के आखिर पे हो ना तो कलकला ज्यादा होता है, ज्यादा सारा हिलाते हैं उस हर्फ, जी ठीक है। उद इस तरह से, कुओद। जी हाँ ठीक है। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी हरूफ मद्दा की, ठीक है, लेकिन इस पे अभी हमें मजीद प्रैक्टिस करनी है ताकि आज पढ़ने के दौरान जी जो गलतियां हो रही है ना ये सही हो जाए, ठीक है। इंशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। अब आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो बताइए, पूछ सकते हैं आप। मेम, ये जो है ना तो वाले हरूफ हितोबन, ये एक बार आप ये तीनों पढ़ दें ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, हमें हम सुनेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। कौन से वाले? ये खिताब, ये वाले कह ये रहे वाले हैं, जी, ये वाले। ये तीनों जी ये तो है ना, तो इसको मैम। मोटा अदा करना है, इसके साथ अब अलिफ है तो अलिफ का साउंड भी मोटा ही आएगा, खो भी मोटा अदा होगा, खुई खुई तो बिन खुई तो अब फुतूरिन फुतू लतुईफुन लतुईफ, जजाक अल्लाह मैम, जजाक अल्लाह। वही अकबिल, ये भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम। वो है तो इसको भी मोटा करेंगे, वालिमुन वालिम मकवूमुन मकवू अवीमुन अवीम, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन, आमीन या रब्बुल आलमीन।
दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला हमारी कमी बेशी को हमारी तरफ से रह जाने वाली जितनी भी कोताही है हमसे अल्लाह ताला हमसे माफ फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।